वहीं देखिए लखीमपुर जाने की जिद पर अड़ी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को अब तक हिरासत से नहीं छोड़ा गया है। कांग्रेसी कार्यकर्ता उनकी रिहाई की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं। देखिए सीतापुर में पुलिस लाइन के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का धरना प्रदर्शन जारी है। इसी पुलिस लाइन में प्रियंका गांधी वाड्रा को हिरासत में रखा गया है और कांग्रेस कार्यकर्ता उनकी लगातार रिहाई की मांग कर रहे हैं। हाथों में प्रियंका के बैनर पोस्टर लेकर कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता सरकार और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी कर रहे हैं। कांग्रेसियों ने प्रियंका को रिहा न करने पर शहर को बंद करने और सड़क जाम करने की चेतावनी दे डाली है। रविवार को सीतापुर में हुई हिंसा में मारे गए किसानों के परिजनों से मिलने के लिए रविवार रात ही प्रियंका गांधी लखनऊ से रवाना हो गई थी। पुलिस को चकमा देकर वो सीतापुर तक पहुंच गई थी, लेकिन सीतापुर पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया और पुलिस लाइन में कल से ही उन्हें हाउस अरेस्ट करके रखा हुआ है। पुलिस लाइन में जिस कमरे में प्रियंका गांधी को रखा गया है, कल वहां वो झाड़ू लगाती नजर आई थी। हिरासत में रखी गई प्रियंका ने अनशन भी शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जब तक पीड़ित किसान परिवारों से उन्हें मुलाकात नहीं करने दी जाएगी, तब तक वो अन्न ग्रहण नहीं करेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। लखीमपुर कांड पर नेताओं का सियासी सैर सपाटा थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी लखीमपुर जाने के लिए उत्तर प्रदेश पहुंच चुके हैं। विरोधियों में लखीमपुर खीरी जाने के लिए मारामारी मची है। शवों पर सियासी रोटी सेंकने का कोई मौका नेता छोड़ना नहीं चाहते। कल पूरे दिन हुए सियासी ड्रामे के बाद आज AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी यूपी पहुंच गए हैं। लखनऊ एयरपोर्ट पर ओवैसी ने मीडिया से बातचीत की और लखीमपुर कांड को सुनियोजित साजिश बताते हुए सीधे सीधे योगी सरकार और केंद्र सरकार को घेर लिया। ये जो पूरा वाकया हुआ है, ये पूरा प्री प्लान्ड तरीके से हुआ है, क्योंकि थोड़े दिन पहले ही यूनियन मिनिस्टर ने अपनी स्पीच में इसका इशारा दिया और कहा कि 2 मिनट लगेंगे हमको, और वैसा ही हुआ। तो इससे जाहिर होता है कि एक इनकी क्रिमिनल मेंटालिटी है और इसके लिए जिम्मेदार हमारे प्रधानमंत्री मोदी भी है और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी है। लखीमपुर हिंसा के बाद देश की सियासत में उबाल आया हुआ है। तमाम विरोधी दलों में लखीमपुर पहुंचने की होड़ है। हालांकि फिलहाल लखीमपुर में धारा 144 लागू है, नेताओं के दौरे पर प्रतिबंध है। ऐसे में देखना होगा कि क्या भड़काऊ भाईजान सियासी सर्कस करने में सफल होते हैं या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।